फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा पिछले याद करिए, कोई सोचता था? और गोरखपुर से ज्यादा कौन जान सकता है? 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी गोरखपुर में? बदहाल स्थिति थी, बिजली नहीं आती थी, चिकित्सा सुविधा का अभाव था। बिहारी मेडिकल कॉलेज में अगर पहिया होते तो सपा बसपा या कांग्रेस के लोग इस मेडिकल कॉलेज हमने नया दिया और हर जगह दिया। आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है, 1 जनपद 1 मेडिकल कॉलेज। पहले केवल गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में एम्स भी, स्पेशलिटी का फर्टिलाइजर फिर से चलने लग गया है। रामगढ़ ताल के किनारे जहां ये सभा हो रही है, आप जब आ रहे होंगे आपने देखा होगा रामगढ़ ताल को कितना चमक रहा है इस समय रामगढ़ ताल। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो रवि किशन के साथ शूटिंग करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। कितने लोग तैयार हैं जो रवि किशन के साथ शूटिंग करने को तैयार है? रवि किशन की फिल्म देखे हो? कितने लोगों ने उनकी फिल्म देखी है? ज्यादा लोगों ने देखी है। फ्री में देखिए अब पैसा लेकर के, फ्री में देखिए और भाइयों बहनों, आज उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। देख लो ना, फतेह बहादुर सिंह एकदम 25 साल के लग रहे हैं। अब ये कि हर व्यक्ति अब सोचने लग गया कि मैं भी रवि किशन जैसा ही दिखूंगा। और सचमुच देख रहे होंगे ना, महेंद्र पाल को मैं यही कह रहा था कि कहे 80 साल का लग रहे, तुम भी 20 साल का लगो। भाइयों बहनों, कितना विकास की होगी, कोई तब आप जाइए कुशीनगर की तरफ, जाइए वाराणसी की तरफ, जाइए लखनऊ की तरफ, दोनों एकदम अयोध्या होते हुए एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से भी 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर को। उद्योग लग रहे हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है, विकास नए सिरे से आगे बढ़ रहा है।
आज यहाँ पर हमने उद्घाटन किया ना हेल्थ एटीएम भी यहाँ उद्घाटित हुए हैं। हेल्थ एटीएम, ये हेल्थ एटीएम में एक साथ 60 प्रकार की जांचें हो जाएंगी और 17 प्रकार की जांचें तो ऐसी होंगी जिन जांचों में ब्लड की आवश्यकता नहीं, आप बैठे उसी से सारी जांच हो जाएगी। ये अलग अलग क्षेत्रों में लगाई जा रही है, प्रदेश भर में जहां चिकित्सक नहीं पहुंच सकता वहां हेल्थ एटीएम पहुंचेगा, एक टेक्नीशियन होगा और उसके माध्यम से सुविधा का लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। और यह एक बड़ा कार्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम आज इस कार्य को कर रहे हैं। यहां पे आज साथ साथ एनसीसी लिमिटेड हैदराबाद की ओर से और उनके उप महाप्रबंधक ने यहां पर अपने सीएसआर निधि से इस धनराशि को देकर के सभी कार्यक्रम यहां आगे बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में उन्होंने हेल्थ एटीएम दिए, यहां पर भी दिए हैं, अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में सभी लगेंगे, इसका लाभ प्राप्त होगा। अभी और विकास की लंबी छलांग लगानी है, इसके लिए आप सभी मजबूती के साथ कार्य करिए। रवि किशन पिछले 15 दिन से आपके क्षेत्र में घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे, आए थे ना, एक महीने से घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे, चौराहे चौराहे जा रहे थे। अब देखो घर घर तो जाना कठिन होगा, घर घर जब मैं आऊंगा फिर आऊंगा आपके घर घर में, लेकिन वह घूम रहे जगह जगह में भी देख रहा था, मैंने उन पे एक चिप्स लगा रखी है, वे कहां जा रहे हैं पता लग जाता है। और मैं देख रहा था सुबह से लेकर शाम तक देर रात्रि तक घूम रहे थे, वो घर इतनी धूप है तब भी घूम रहे थे। हाँ, एक फिल्म में काम, फिल्म एक्टर और भोजपुरी फिल्मों के तो सुपरस्टार है, उनको तो बहुत जल्दी घाम लग जाता था। लेकिन अब भाइयों बहनों, ये मतदाता और जनता जनार्दन की ताकत है कि घाम भी उनसे दूर भाग जा रहा है, वे जनता की सेवा के लिए आपके बीच रह करके काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ गोरखपुर को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास रहे हैं, विधायकों के साथ मिल करके कैसे विकास होना है, पिपराइज में चीनी मिल लगेगी तो भवापार के पास वेटनरी कॉलेज भी आने जा रहा है, वटड़ के पास आयुष विश्वविद्यालय बनेगा तो जंगल कौड़िया में एक बेहतरीन मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण, इंटर कॉलेज बन रहे हैं, सहजनवा में पॉलिटेक्निक का निर्माण और वहां पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, तो साथ साथ फर्टिलाइजर में सैनिक स्कूल का निर्माण भी हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नए उद्योग लग रहे हैं, नए रोजगार आ रहे हैं। और इन सब विकास की प्रक्रिया के लिए उनको कभी कभी दिल्ली और मुंबई भी जाना होता है, इसलिए भाइयों बहनों विकास की इस प्रक्रिया के साथ जो दृष्टि मोदी जी ने दी है, देश को दी है, दुनिया आज उसके पीछे उसका अनुसरण कर रही है, उस दृष्टि के साथ हम सब जुड़ेंगे, हम सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि अंततः मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा देश होना चाहिए, हर नागरिक की प्राथमिकता देश होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित रहेगा हम सब सुरक्षित रहेंगे, हर जाति हर मत हर मजहब हर संप्रदाय सुरक्षित रहेगा। और जब देश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी तो फिर तो कुछ भी नहीं रह पाएगा, इसलिए भाइयों बहनों जो मोदी जी का एजेंडा है वो भारत का एजेंडा बनना चाहिए, भारत के हर नागरिक का एजेंडा बनना चाहिए। 2024 के लिए न जाति न पंथ न मत और संप्रदाय, जनता के हितों के लिए बिना भेदभाव के जिन्होंने कार्य किया है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रदेश के देश के अंदर सरकार बनाए, इसके लिए प्रदेश की भूमिका, हम 80 में से 80 लोकसभा सीट भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाए, इस संकल्प के साथ